subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब और शेयर आप जल्द से जल्द आप कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो रेडमी 8 के लिए है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमें रेडमी 8 में हमें ग्लोबल स्टेबल का अपडेट हमें 6 अप्रैल को देखने के लिए मिला था। MIUI का 12.0.2.0 का ऑफिशियली ग्लोबल स्टेबल अपडेट। और फ्रेंड्स, इसके हमें आफ्टर 1 वीक हमें इंडिया का भी सेम अपडेट देखने के लिए मिल गया था। पर फ्रेंड्स, आज एक गुड न्यूज़ निकल के आई है। आज हमें रेडमी 8 में आफ्टर 1 मंथ में ही हमें रेडमी 8 में MIUI का 12.0.3.0 का ऑफिशियली ग्लोबल स्टेबल अपडेट देखने के लिए मिल गया है। MIUI 12.0.3.0 QCNMIXM और इसका साइज हमें 482 MB का देखने के लिए मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि हमें इसमें क्या क्या नया देखने के लिए मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें ऑप्टिमाइजेशन देखने के लिए मिल जाती है, इंक्रीज सिस्टम स्टेबिलिटी एंड ऑप्टिमाइजेशन, इसमें हमें रिड्यूस सिस्टम लैग। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें ये दो फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि इसमें हमें सिक्योरिटी पैच कौन से मंथ का देखने के लिए मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें अप्रैल या मई का 2021 का ऑफिशियली सिक्योरिटी पैच भी देखने के लिए मिल जाता है। और फ्रेंड्स, इस अपडेट में भी हमें MIUI के 12.0.3.0 में हमें ऑफिशियली एडिशनल फीचर्स में हमें फुल स्क्रीन डिस्प्ले में हमें एंड्रॉयड 10 का गेस्चर बार देखने के लिए नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि अब ये अपडेट हमें रेडमी 8 में MIUI का 12.0.3.0 का इंडिया में हमें ये कब तक देखने के लिए मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट आज हमें ग्लोबल में देखने के लिए मिल गया है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये हमें आफ्टर 7 to 10 डेज हमें सेम अपडेट इंडिया के डिवाइसेस में रेडमी 8 में भी ये सेम अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और फ्रेंड्स, बात करते हैं अब रेडमी 8A और रेडमी 8A ड्यूल की। तो फ्रेंड्स, अब रेडमी 8A में भी हमें ग्लोबल स्टेबल में MIUI का 12.0.3.0 का ऑफिशियली स्टेबल अपडेट देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और उसके आफ्टर 1 to 2 वीक्स में हमें इंडिया में भी MIUI 12.0.3.0 देखने के लिए मिल जाएगा, और इसमें भी हमें ये सेम फीचर्स ही देखने के लिए मिलेंगे। और इसके आफ्टर 1 वीक हमें रेडमी 8A डुअल में भी MIUI का 12.0.3.0 का स्टेबल अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की न्यूज़ यही थी कि रेडमी 8 सीरीज़ में अब हमें MIUI 12.0.3.0 बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिल गया है, वो भी ग्लोबल स्टेबल में। तो अब हमें ये इंडिया में भी बहुत ही जल्द देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करके जाना। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।